देखिए सिंदूर की कीमत सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। अब सब कुछ हमें अकेले ही करना है, आदत क्यों बिगाड़े? प्लीज ऐसे रोते हैं, किसी ने देख लिया ना अर्जुन तो राज खुल जाएगा। क्या खुड़ अवस्थी, असल में रोती अवस्थी। I'll miss you. वो तो करोगे। आयुष कहाँ है, क्या पहनना है, क्या खाना है, सब कुछ हमें तो बताते थे। थोड़ी दिक्कत होगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी अर्जुन, पर हम आपको बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे अर्जुन। इतने बड़े बैग में क्या लेकर जा रही है? ये क्या कर रही हो तुम? अर्जुन मैं तो बस चेक कर रही थी कि कहीं ये चोरी करके तो नहीं जा रही यहाँ से। नारी, आपने मिश्री को सजा दी, उसे घर से बाहर निकाल रही, बेइज्जत तो मत कीजिए। अनु, नानी मैं तो बस ये देख रही थी कि ये कहीं हमारा नुकसान तो नहीं कर रही। अनु, इसके इस घर से दूर जाने में जो हमारा फायदा होगा उसके आगे हर नुकसान छोटा है। और अगर ये कोई चीज चुरा के ले भी जा रही है ना तो इसे ले जाने दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन, अर्जुन, मिश्री ने तुम्हें फंसाया था, उसे उसकी सजा मिल गई है, वो जा चुकी है, उसे भूल जाओ और अंदर आ जाओ। अर्जुन, तेरे इस तरह यहाँ खड़े रहने से वो लड़की वापस नहीं आ जाएगी। मिश्री, मिश्री, मिश्री। अर्जुन देखा कहीं भी नहीं है यहाँ पर मिश्री। चलो चलो यहाँ मिश्री, चलो नहीं, वो यही कहीं नहीं है अर्जुन, नहीं। चलो मिश्री, अर्जुन अर्जुन मिश्री। बड़े जी बस और नहीं होगा मुझसे, थक गया। यजमान आखिरी फेरा बाकी है। अरे सेठ, फेरों को मारो गोली, सीधा लड़की की मांग में सिंदूर भरो। ए पंडित, सिंदूर दे। बैठिए, बैठ। मिश्री, मिश्री,
तुझे इलाज की जरूरत है बेटा? इस वक्त किसी को मेरी जरूरत है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? प्लीज, वो यही कही है मेरा जो कहता है, वो यही कही है प्लीज। अरे हम तेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ कहाँ है मिस्ट्री? नहीं नहीं, यही कही है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? एम्बुलेंस आ गई भैया, चलो। नहीं, उसे छोड़ के कहीं जाओ। अरे तू अंतर यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं जान, आपको समझ में नहीं आ रहा। As always, मम्मी तो नहीं आ पाई पर आप आ गए। As always, तो ठीक तो तुम्हें चोट तो नहीं लगी? Are you okay? Thank God. मैंने कहा भी था तुमसे कि मत जाओ, मत जाओ, और अगर जा रही हो तो कम से कम मुझे साथ लेके जाओ, लेकिन नहीं, मेरी बात तो तुम सुनती ही नहीं हो। मुझे हमेशा तुम अकड़ू अवस्थी कहती हो, लेकिन दुनिया भर की अकड़ तो तुम में भरी है। आज अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो क्या होता? कैसे नहीं आते? हम मुश्किल में थे, हम जान गए थे कि आप जरूर आओगे। कैसे जान गए थे? हाँ, वैसे ही जैसे आप जान गए थे कि हम कहाँ हैं। ठीक तो नहीं है अर्जुन, बड़ों के आशीर्वाद के बिना रिश्ता बन सकता है, अगर घर नहीं बस सकता। और हमारे बड़े तो हमसे इतना नाराज है, कुछ कैसे ठीक होगा? जब सौदा किया था तब भी हम अकेले थे, और जब प्यार किया है तब भी हम अकेले हैं। अर्जुन, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? हम सिर्फ प्यार कर रहे हैं, पर माँ कहती हैं कि सच्चा प्यार गलत कभी नहीं हो सकता। पक्का? 100%। तो फिर आज थोड़ा सा लालच करने में मिश्री माइंड नहीं करेगी। हमें आप तो मिल ही चुके हो, अब हमें पूरा परिवार, उन सबका आशीर्वाद, उनका प्यार, हमें सब कुछ चाहिए अर्जुन। माना कि आज रिश्तों में लकीरें हैं, मन में भी, लेकिन हमारे फेरों से पहले हमने उन्हीं लकीरों को जोड़कर अपने प्यार की रंगोली ना बना दी तो हमारा नाम भी मिश्री नहीं। हम वादा करते हैं अर्जुन, ठीक 4 दिन बाद हमारी शादी में सिर्फ हमारा प्यार ही नहीं बल्कि सारे घर वालों का आशीर्वाद भी शामिल होगा, दादी माँ का भी। सॉरी दादी माँ, वो हम बस अस्सा के लिए खाना ला रहे थे। तेरे हाथ का कुछ भी बना हम सबके लिए जहर है। तू हम सबको जहर खिलाना चाहती थी? ब्रेकफास्ट खिलाने आई थी, तुम रहने दो मिश्री, इन्हें तुम्हारे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। अरे कुछ लोगों को तो अनाज की भी कदर नहीं होती है। ए अन्नु, तेरे हाथ में खाली थाली है ना, उसका हाथ में पकड़ के बजा और नाच। कैसे कि मिश्री का जैसा स्वादिष्ट खाना तो तू बना नहीं सकती, कम से कम अपनी नानी का दिल ही बहला दे। अनु बेटा, इतना तेज म्यूजिक चलाने की क्या जरूरत थी? और क्या करती नानी, अर्जुन और मिश्री की पूजा के मंत्र थोड़ी सुनती। अब तुझे इनके मंत्र नहीं सुनने पड़ेंगे क्योंकि ये पूजा ही नहीं होगी। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? नानी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जब माता रानी की मूर्ति ही नहीं है तो पूजा कैसे होगी? और मूर्ति तो हमारे साइड है। अब हमारे साइड में भी होगी,